एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो इस वीडियो में करते हैं क्लास थ्री का मैथ्स। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज एडिशन यूनिट का एक्सरसाइज 3.9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एस्टिमेटिंग द सम। एस्टिमेटिंग द सम मतलब क्या है, सम मतलब टोटल निकालना, ऐड करना, एडिशन का आंसर फाइंड करना है ना। और एस्टिमेट मतलब उसका एक रफ आइडिया भी हमें पता होना चाहिए कि कितना आएगा, जो कि हमने राउंडिंग ऑफ करके पढ़ा था हमारे यूनिट नंबर वन में, जो राउंड ऑफ किया था ना हमने। हर नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं आप जरूर देखिए वो वीडियो, एक्सरसाइज यूनिट नंबर वन में आप देख सकते हैं हमने राउंड ऑफ कैसे किया था, है ना। तो वही आपको यहाँ पे करना है, राउंड ऑफ करके ऐड करना है। तो चलिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि 47 प्लस 52, तो इसमें आपको दोनों फाइंड आउट करना है, एक एस्टिमेटेड सम यानी अंदाजे से भी उसका सम कितना होगा पता लगाना है, और एक्चुअल सम, और रियल में हम उस डिजिट्स को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो भी फाइंड करना है। तो देखिए पहले हमने पढ़ा था राउंड ऑफ कैसे करते हैं, है ना। तो 47 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा, 47 को अगर हम नियरेस्ट 10, पास वाले 10 से राउंड ऑफ करना है, 47 को राउंड ऑफ करके बनाएंगे 50, है ना। क्योंकि 47 किसके बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में आता है। तो पर हमने पढ़ा था कि अगर वो नंबर 45 या 45 से ज़्यादा हो तो आप उसे 50 की तरफ ले जाएंगे, और अगर वो नंबर 45 से नीचे हो यानी 44, 43, 42, 41, 40 ये सब हो तो आप उस नंबर को फिर 40 की तरफ ले जाएंगे। यही हमने राउंडिंग ऑफ में रूल पढ़े थे, है ना। तो वही आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो 47 देखिए 45 से ऊपर है तो आप उसको 50 बना देंगे राउंड ऑफ करके, तो यहाँ पे 50 लिख दिया। और 52 को देखिए राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो 52 देखिए 50 और 60 के बीच में है, लेकिन ये 55 से कम है तो हम इसे 50 करके राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ आपको याद होगा, है ना, तो वही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 52 को राउंड ऑफ करके आप 50 लिखेंगे, तो और फिर उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 50 प्लस 50 100, ठीक है। तो ये हो गया इसका एस्टिमेटेड सम। और एक्चुअल सम में क्या करना है, आपको दोनों नंबर सेम टू सेम लिखने हैं, 47 52, और उनको ऐड करना है, तो ये मिलेगा आपको एक्चुअल सम यानी रियल आंसर, ठीक है। तो यही आपको करना है, आप और भी कर सकते हैं विद एग्जांपल। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए 38, तो 38 देखिए 30 और 40 के बीच में है, लेकिन ये 35 से ऊपर है तो ये जाएगा 40 के पास ना कि 30 के पास, है ना, पास वाले टेंस के पास आपको उसको ले जाना है। और 84 को राउंड ऑफ करोगे तो आप बताइए आप उसे 80 के पास ले जाओगे कि दूर वाले 90 के पास। हम उसको 80 के पास ले जाएंगे क्योंकि ये 85 से कम है, ठीक है। 38 को 40 लिखेंगे और 84 को 80 लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, बन जाएगा आपका एस्टिमेटेड सम। और एक्चुअल सम मतलब रियल नंबर्स को लिखना है और उन्हें ऐड करके आंसर ढूंढना है। अब यही आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में भी करना है, इसमें आपको एक्चुअल सम भी पता लगाना है और एस्टिमेटेड सम भी पता लगाना है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल सम कैसे ढूंढते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करना है और उसका आंसर ढूंढना है, यही है उसका एक्चुअल सम, ठीक है, कि रियल में कितना आंसर आ रहा है। तो ये हो गया, अब एस्टिमेटेड सम कैसे ढूंढेंगे, देखिए। सो देखिए नंबर वन पे 82 को राउंड ऑफ करके आप 80 लिखेंगे कि 90, आप लिखेंगे 80 क्योंकि ये 85 से कम है, और 46 को राउंड ऑफ करके आप लिखेंगे 50, तो इसका एस्टिमेटेड सम कितना होगा, 130, ठीक है। इन दोनों को फिर आपको प्लस करना है, ऐसे आपको सभी के लिए करना है, ठीक है। 87 को राउंड ऑफ करके लिखेंगे 90 क्योंकि 85 से ज़्यादा है, और 29 को राउंड ऑफ करके 30, फिर उसको प्लस करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। ऐसे ही आपको सबका एक्चुअल सम भी ढूंढना है और उसको राउंड ऑफ करके उसका एस्टिमेटेड सम भी ढूंढना है। अब देखिए 100 प्लेस में, तो ये 2 डिजिट नंबर्स थे, अब देखते हैं 3 डिजिट नंबर्स में क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि नियरेस्ट टेंस में हमें राउंड ऑफ करना है, तो आपको सिर्फ टेंस प्लेस की वैल्यू देखनी है, 100 देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए पहले आप इसका एक्चुअल सम भी ढूंढ लीजिए, और अब देखिए इसका राउंड ऑफ करके आप कैसे लिखेंगे,
253 बन जाएगा 250, है ना, क्योंकि आपको सिर्फ 53 देखना है, 2 देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ टेंस को देखना है। तो 53 को आपको 50 बना देना है और 386 को आपको 90 बना देना है क्योंकि 86 राउंड ऑफ करके हम उसको 90 बना देंगे क्योंकि वो 85 से ऊपर है, और फिर उन दोनों को प्लस करके आंसर ढूंढिए, ठीक है। देन 305 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो बन जाएगा 310, है ना, क्योंकि 5 है और 5 से ज़्यादा हमेशा आगे जाएगा 10 के पास, ना कि 0 के पास, ठीक है। तो 10 हो गया और 753 बन जाएगा 750 क्योंकि 53 है 55 से कम है, देन इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। देन 187 के लिए 187 बन जाएगा 90 और 15 बन जाएगा 20 और बाकी सब सेम, ठीक है। तो 220 इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर ढूंढेंगे, ये होगा इसका एस्टिमेटेड सम, ठीक है। देन 673, तो 73 में देखिए 73 बन जाएगा 70 ना कि 80 बनेगा, है ना, क्योंकि ये 75 से कम है, और 14 बन जाएगा 10, है ना, क्योंकि पीछे ही आएगा क्योंकि वो 5 से कम है। सो 210 और इन दोनों को प्लस करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। तो ये सारे हैं इसके एस्टिमेटेड सम। और उसी के ऊपर देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 की तरफ, यानी अभी 10th प्लेस को हमने राउंड ऑफ किया था, अब वैसे ही आपको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है और उसका एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम भी ढूंढना है। सो आप देखिए जब नियरेस्ट 100 बोलते हैं ना तो आपको 100 प्लेस को ही देखना है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10th में क्या है, ठीक है। सो देखिए 252 को राउंड ऑफ करने के लिए आप सोचिए वो 200 के पास जाएगा कि 300 के पास, कौन सा 100 पास में है। तो इसके लिए हमने रूल पढ़ा था कि अगर वो 250 और 250 से ज़्यादा है तो वो जाएगा 300 के पास, और अगर 250 से छोटा नंबर है तो वो जाएगा 200 के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 252 है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 300 लिखेंगे क्योंकि ये 250 से ज़्यादा है। सो 252 बन जाएगा 300 और 687 और 687 बन जाएगा 700 क्योंकि 650 से ज़्यादा है, तो आपका एस्टिमेटेड सम आएगा 1000 क्योंकि आपको 300 प्लस 700 करना है, तो एस्टिमेटेड सम होगा 1000, ठीक है, और ये होगा इसका रियल सम। अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, 584 बन जाएगा 600 और 192 बन जाएगा 200, तो एस्टिमेटेड सम हो गया 800। तो आपको देखना है कि वो 50 से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। 187 बन जाएगा 200, ओके, क्योंकि ये 150 से ज़्यादा है, और 335 बन जाएगा 300 और उसका आंसर होगा 500, ठीक है। देन 278 बन जाएगा 300 क्योंकि 250 से ऊपर है, और 621 बन जाएगा 600 क्योंकि वो 650 से कम है, तो वो 700 के पास नहीं जाएगा, तो आप इसको ऐड करेंगे और आंसर ढूंढेंगे 900, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके एस्टिमेटेड सम्स, और जो रियल में आप प्लस करके लिखेंगे वो होगा उसका एक्चुअल सम, ओके। तो करिए ऐसे और कंप्लीट करिए ये एक्सरसाइज। होप आपको समझ में आया होगा कि एस्टिमेटेड सम क्या होता है और एक्चुअल सम क्या होता है, ठीक है। एस्टिमेट करना मतलब राउंड ऑफ आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आप यूनिट नंबर 1 में नंबर और न्यूमरेशन का राउंड ऑफ वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपको राउंड ऑफ में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। हम अपना यूनिट नंबर 3 एडिशन का लास्ट एक्सरसाइज 3.10। सो अभी हमने एक्सरसाइज 3.8 में काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के आप एडिशन कैसे करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए बस एक स्टेटमेंट दिया है, अब आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम खुद बनानी है, मतलब आपको उसकी स्टोरी खुद बनानी है और लिखना है उसे स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये आप सब अपने मर्जी से बना सकते हैं, है ना, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 20 प्लस 7 इज 27, तो आप उसके लिए कुछ भी कहानी
कहानी बना सकते हैं कि बॉय हैड, किसी का नाम लिख सकते हैं, है ना। रोहित हैड 20 सी शेल्स एंड हिज फ्रेंड गेव हिम 7 मोर सी शेल्स, है ना, कि रोहित के पास 20 सी शेल्स थे, उसके फ्रेंड ने उसको 7 सी शेल्स और दिए। सो हाउ मेनी सी शेल्स रोहित हैज नाउ, अब रोहित के पास कितने सी शेल्स हैं। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी फ्रेम करनी है, वो कहानी आपको खुद बना के लिखनी है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप हर स्टेटमेंट के लिए, हर नंबर स्टेटमेंट के लिए एक स्टोरी बनाइए और लिखिए इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं कि देयर वेयर 18 बॉल्स इन वन बास्केट एंड 27 बॉल्स इन अनदर बास्केट, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर इन दीज टू बास्केट्स, है ना, तो दोनों बास्केट्स में कितने बॉल्स हैं। ऐसे इजी सेंटेंस ही आप फ्रेम करके बना सकते हैं, है ना। कोई भी स्टेटमेंट आप ऐसे बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी कहानी छोटी मोटी आप बना के लिख सकते हैं, और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे फ्रेम करनी है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। होप आपको समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।